तो आज हम जा रहे हैं अपना शिमला की साइड, ये अपने पहाड़ों के दर्शन होने वाले हैं। हमारे ऑफिसर कहाँ हैं? प्लीज अपना कार दिखाइए। पहाड़ों में अपनी चाय का अलग ही मजा है, देखो ना। पहुंच चुके हैं शिमला। व्यू देख के ना बहुत ही मजा आ गया, पर देख सकते हो अब ये पूरा का पूरा माल रोड है। आपने 4 बार घुमा दिया, आपने मुझे नहीं बोला मैं क्या हूं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने पंजाब से, यानी कि अपने भूरे के घर से। तो शादी के बाद अपने भूरे का नया घर हो चुका है पंजाब। तो फिलहाल अभी जस्ट कल पहुंचे हुए थे, मम्मी मैं और पापा आ रखे थे कल भूरे से मिलने शादी के बाद फर्स्ट टाइम। और जब आ रखे थे तो हमने सोचा भाई घूमना तो बनता है। तो फिलहाल आज दूसरा दिन है हमारा यहाँ पंजाब में। तो आज हम जा रहे हैं अपना शिमला की साइड, यानी कि शिमला दिखाएंगे आपको पूरा पूरा। यहाँ से अपना शिमला पड़ेगा अपना 4 घंटे के आसपास पड़ेगा, मतलब पास में ही है। मतलब अभी 12 बजे तक निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे अपना 3-4 बजे तक। फिलहाल ठंड भी काफ़ी होने वाली है वहाँ पे, तो ठंड वंड का पूरा कपड़े वपड़े पूरा पैक कर रखे मस्त वाले। बाकी अपनी गाड़ी वाड़ी भी तैयार है, यानी कि यहाँ से जाएगी 2 गाड़ी, यानी कि एक अपनी टैक्सी बुला रखी है और एक अपनी धन्नू तो है ही। फिलहाल वहाँ पर खड़ी है अपनी धन्नू, उसमें भी कपड़ा वपड़ा मारना है, देन तैयार होते हैं और एक एक 1.5 बजे तक निकल जाएंगे हम यहाँ से। टैक्सी 1 बजे तक आ जाएगी, देन निकल लेंगे उसके बाद शिमला की तरफ। को 1-2 दिन स्टे वहीं पर रहेगा, कल शाम तक या तो परसों तक अपना आ जाएंगे वापसी। बहुत जल्दी आ गए, लाओ एक मैं पकड़ता हूँ। तो गाइस फिलहाल अपने अभी 2 बजे के आसपास हो गए, मतलब काफ़ी लेट हो गया अपना। और अपनी एक और गाड़ी भी आ गई है और अपनी भी सब रेडी हो गया, बैग वैग पूरा अपना डाल दिया सारा सामान। चलो जी चलो 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 हाजी, ऐसी जाओगे क्या सुविधा? ऐसी पूरा बर्फ में लेटाऊंगा ऐसी आपको मैं। एक काम करते हैं, यंग पार्टी इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है? और थोड़ा सीट बुढ़े लोग है सीधा बोल दिया और दूसरी गाड़ी में उधर इतना सीधा नहीं बोल रहा था भाई, पहले सोच रहा था कि बोलूं ना बोलूं। चलो ठीक है, सही कर दिया आपने। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं और 2:55 हो गए अब जाके निकल रहे हैं। मुझे नहीं लगता शाम में पहुंच जाएंगे हम, 6-7 बज जाएंगे, रात हो ही जाएगी पूरी। लेट हो गए गाइस, लेट हो गए। और बाकी वो रही अपनी एक गाड़ी, उनको फॉलो करना अब आराम से अपना शिमला तक। तो एक बार जयकारा लगता है, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। चलो जी तेरी चून से मुखड़ी छोरी मैंने पको बटे छोरी तेरी अनुहार का बना तेरा कौन के तेरी देवी। गाइस फिलहाल यहाँ पे आजकल थोड़ा हाईवे वाईवे टूट सा रखा, मतलब रोड वोड का काफी काम चल रहा है। तो एक्चुअली बद्दी से हैं, बद्दी बोलेंगे बद्दी, तो बद्दी गांव से आ रहे हैं हम, मेन हाईवे पे पड़ता है। तो अभी आजकल पूरी रोड मतलब खराब सी हो रही है, मतलब काफी टाइम लग रहा है, कह रहे हैं 4 लाइन का हाईवे बन रहा है, अब देखते हैं कब तक बनता है अपना। बाकी देखो थोड़ा बहुत जाम वाम तो अपना पूरा दिख ही रहा है, जाम वाम है अभी, अब बस थोड़ा सा पहाड़ का आने का वेट है। जैसे ही पहाड़ चढ़ेंगे उसके बाद तो अपना अलग ही चेंज हो जाएगा गाइस, पूरा व्यू गजब वाला मस्त वाला। तो भैया जब भी शिमला में मिलेगा कोई भी प्लान कर रहा हो तो सुबह के टाइम ही आना, क्योंकि रात को तो हालत खराब हो रही है रोडों की। अच्छा रात को बंद है? नहीं कर सकते ना। हाँ हालत ही खराब हो रही है पूरी रोड की। तो फिलहाल वो वाला कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पे पुल टूट रहा था ये वाला। फिलहाल अब 2 घंटे बाद मिला हमको हाईवे पूरा, अब चढ़े हम हाईवे में और थोड़ी देर बाद अपना पहाड़ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अलग ही व्यू आएगा गजब वाला। अभी से दिखने लग गया, वैसे दिखने लग गया, देखो थोड़ा 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 अभी थोड़ा अंडर एक्सपोज करता हूँ, रुकवा लेने लग गया ना, अब सही हो गया। आप बढ़िया दिख रहा है एकदम फर्स्ट क्लास वाला। 2 घंटे बाद आए दादा, हम तो तरस गए थे गाइस, लिटरली हम तो तरस गए थे कब आएगा भाई अच्छा वाला रोड एकदम। 2 घंटे बाद आया पूरे सीट एक्सचेंज। चलो इसे रख दो गाइस, आपको पता है जहाँ पापा बैठ जाए फिर पापा, और जहाँ ट्रिप में जा रहे तो वहाँ तो एक चीज छूट जाए तो मुश्किल ही है फिर। तो आप देख सकते हो किस चीज के लिए रुके गए हैं और यहाँ उतर चुके हैं। अब भाई रात को जशन तो होना चाहिए, क्यों भाई पहाड़ों में बैठ के जशन नहीं होगा तो फिर क्या चलेगा? क्यों गाइस तो एक एक हम भी कर ले फिर। ए, रहा नहीं जाता। अरे वो ऐसे मत बोलो यार, वो चुपचाप होगा, वो चुपचाप होगा गाइस, ये कैमरे में नहीं हो सकता। यस बिल्कुल तेरी कुंवार का बना तेरा काम मुल्क तेरी दे। गाइस आपको एक मस्त वाला सिस्टम दिखाते हैं। सर जी हमारे ऑफिसर कहाँ हैं? प्लीज अपना कार्ड दिखाइए। गाइस अपना कार्ड थोड़ा हाइड करके रखना पड़ेगा, थोड़ा दिखाना पड़ेगा टोल में, तब जाके अपनी एंट्री, कोई चार्ज नहीं अपन को। ये हमारे आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं पीछे, कोई दिक्कत क्यों हो सकती है हमें? टोल वोल तो हमारे लिए है, ऑफिसर्स के लिए थोड़ी ना। क्यों गाइस आर्मी कार्ड? चलो जी धन्यवाद। तेरी कुंवार का बना
तेरा काम लुके तेरी दे। तो गाइस अभी यहाँ से दिखा रहे हैं शिमला अपना 85 किलोमीटर दिखा रहा है भाई अभी है, यानी कि अभी लगेंगे 2-2.5 घंटे और यहाँ 4:30 तो यही हो गए, तो मतलब खींचनी पड़ेगी अपने को गाड़ी। फिलहाल अभी जस्ट आ चुके अपना पंजाबी रसोई में थोड़ा चाय वाय ब्रेक के लिए और मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते रह रहे ना वैसे मौसम अपना ठंडा होता जा रहा है मस्त वाला। फिलहाल चाय वाय पी के अदरक वाली थोड़ा अपना मूड को भी फ्रेश कर लेते हैं। तेरा गाइस अपनी भाल लिया है मैं चाय, बाकी सब अंदर पी रहे थे और गाइस लिटरली इतना सही लग रहा है ना, इतना मतलब अच्छा लग रहा है यार बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हिमाचलों के पहाड़ में पहली बार देख रहा हूँ इस साइड की शिमला साइड की। बाकी पहाड़ तो अपने कहीं के भी उत्तराखंड के हो या अपने हिमाचल के हो सारे तो अपने ही पूरा है क्यों, बाकी पहाड़ के साथ चाय उसका तो अलग ही फील है। फिलहाल अभी थोड़ी थोड़ी अपनी ठंड भी बढ़ती जा रही है और देखो ऊपर ऊपर अपना फॉग भी जमते जा रहा है, एकदम फॉग आते जा रहा है नीचे नीचे, एंड पक्का अपनी रात तो हो ही जानी है पक्का 110%, क्योंकि अभी 5 बजे भी बज गए हैं और अपना 7-7:30 बजे तक ही पहुँचेंगे और अभी 2-2.5 घंटे और दिखा रहा है मैप में अपना शिमला का। तो फिलहाल कोई नहीं, धीरे धीरे चलेंगे अपना आराम से, अभी बस वहाँ जाके होटल वोटल भी ढूंढना होगा, ऐसे अभी कुछ पे नहीं था सडनली बनाया सारा प्लान। तो इस चीज़ से पता चलता है अपना कि हम हैं अभी कोटी में, तो फिलहाल अपना परांठा वरांठा खा के भी निकल रहे हैं, परांठा वरांठा भी ले लिया चाय वाय भी ले ली। तू तो है मिलती शिमले रे बाजारे पियरिए मतिए सुट पा में भिगुरा कान झमके पियरे पियरिए मतिए सुट पा में भिगुरा कान झमके पियरे पियरिए मतिए। पूरा ऐसा लग रहा है पूरा अपना गढ़वाल वाली फील आ रही है, पूरा अपना गांव वाला है यार सीरियसली, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा गांव में आ गए, मजा आ गया यार, फील में कोई डिफरेंस ही नहीं है, चाहे हिमाचल चल जाओ चाहे उत्तराखंड चल जाओ पूरा सेम है पूरा। अपना पहुंच चुके हैं शिमला, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बस बचा है और बाकी फिलहाल आप इस मार्केट के मजे लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत मार्केट है भाई खूबसूरत, और बाकी देखो लाइटिंग जल रही है ना आगे घरों में तो वो और भी प्यारा लग रहा है सीरियसली, मतलब बीच में से गली में से रोड में से निकल के पहाड़ में जो लाइटिंग आ रही है ना घरों की गजब वाली, हाँ देखो क्या चमक रहा है पूरा शिमला, देख लो गाइस लाइटिंग ही लाइटिंग फुल एकदम मस्त वाली। फिलहाल अभी प्लानिंग चल रही है आप या तो माल रोड में हम रूम लेंगे या तो उससे आगे लेंगे, देखते जैसे रूम मिल गया, तो वैसे आज अपना ट्यूजडे तो रूम ऑलमोस्ट खाली मिलेंगे, वीकेंड नहीं है ये ठीक है अपने लिए क्योंकि इजिली अपना रूम मिल जाएगा, लेकिन जो फिर रात का ना गाइस देख लो आप खुद ही देख लो फिर क्या पूरी लाइटिंग हो रही है फुल फर्स्ट क्लास, आए मजा आएगा। तो दोबारा अपना झूला वाला झूल के अपना बैठ चुके हैं, अपना रूम वूम भी ले लिया, अब सारा मामला सेट हो गया है क्योंकि रूम की टेंशन थी ना मैंने आपको पहले बताया था, तो रूम वूम सब ले लिया अपने, तो फिलहाल आज लिया अपने 3 रूम, मतलब कल तक रहेगा अपना 12-1 बजे तक रहेगा चेकआउट का टाइमिंग, तो फिलहाल रूम वूम ले लिया। तो फिलहाल इस टाइम मैं आ रहा हूँ अपना बैलकोनी में, तो तुम्हारा भाई का जबरदस्त व्यू दिखाने वाला है आपको, मजा आ गया गाइस लिटरली व्यू देख के ना बहुत ही मजा आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको व्यू यहाँ का। तो गाइस ये है कुछ अपना आज का व्यू, अपना बैलकोनी से व्यू पूरा पूरा यार पूरा शिमला दिख रहा है गाइस लिटरली पूरा शिमला दिख रहा है, फिलहाल देख रहा पूरी लाइटिंग इसका अलग ही फील है लिटरली, अभी जब मैं खड़ा हूँ ना तो बहुत ही अलग सा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मुझे क्योंकि ये सारी पहाड़ की लाइटिंग है देख के पूरा शिमला का व्यू देख के और ऊपर चांद दिख रहा है अपना, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है लिटरली यार गाइस, और ऊपर देख सकते हो अब ये पूरा का पूरा माल रोड है, मैं ऊपर भी गया था एक बार लेकिन वो मैंने शूट नहीं करा, वहाँ रूम वूम देखने गया था लेकिन अपने को चाहिए था पास में रूम, पास में इसलिए क्योंकि ये देखो ये अपनी पूरी पार्किंग, इसके नीचे अपनी पूरी गाड़ी है बेसमेंट में और ये अपना पूरा होटल, मतलब जस्ट ठीक है ना गाड़ी के सामने ही अपना होटल वोटल है, और कल आपको ऊपर पूरा दिखाएंगे माल रोड का व्यू और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो सब दिखाएंगे आप लोगों को बढ़िया करके, और गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, मैं तो लिटरली मैं सामने खड़ा हूँ ना तो लाइव देख रहा हूँ तो अलग ही एक्सपीरियंस है मेरा, ये वीडियो में थोड़ा इतना पता नहीं चल रहा होगा लेकिन सामने बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बस मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे मजा आ जाए देख के, ऐसा लग रहा है आपको व्यू मस्त है एकदम जबरदस्त गजब वाला है गजब वाला मस्त, बाकी झूला भी झूल लिया फर्स्ट क्लास कर गए हैं मजा आ गया, और ये बाकी झूला वूला रखा है यहाँ अभी देख ही लियोगे आपने वीडियो, यहाँ पे चेयर वगैरह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो यहीं पे बैठ जाएंगे और सुबह अलग से व्यू दिखेगा यहाँ का अलग। गाइस आपको थोड़ा रूम का भी टूर बनता है ना एक बार देना, तो रूम का भी टूर दे देते एक बार, रूम देखिए आप
ये कुछ अपना रूम, यहीं पे अपना अलमारी हो गया, ये बेड हो गया, डबल बेड हो गया, यहाँ पे दो चेयर्स रखी है, अपना टीवी भी है और बढ़िया सा वुडन वुडन का सिस्टम है पूरा, नीचे वुडन का काम हो रखा है। ये अपना ड्रॉस मिला है कुछ, ये ग्लास और पानी वानी मिले हुए, अपने एक अलमारी मिली हुई है बढ़िया करके और पूरा फॉल सीलिंग है फुल बढ़िया करके और टीवी भी है। तो फिलहाल यही है कुछ ऐसे रूम और अपना सच पीछे पीछे व्यू नहीं है, व्यू तो दूसरे वाले रूम से मतलब बैल्कनी से जो आपको दिखाया था मैंने, ये है कुछ ऐसे हैं अपने रूम, तीनों के तीनों ऐसी रूम है। तो फिलहाल अभी सबके सब एक रूम में बैठे हैं और पापड़ जी और अलग बैठे, थोड़ा दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं सबसे भी। सर्विस सर्विस सेवा सेवा सर्विस सेवा सर्विस सेवा आ गया डरा दिया था। अरे वो अपना पर्सनल ही रहना चाहिए, गाइस ये अपना पर्सनल है, इनको कुछ नहीं पता। तो फिलहाल अपना डिनर आ गया सर, आ गया अच्छा खाली, अच्छा कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, मस्त ठंडू ठंड। गाइस एक सीक्रेट बताऊंगा आपको, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो पहले, तब बताऊंगा यहाँ क्या लेके आना आपको अपने साथ, ठंड बचाना है तो आप समझ ही जाओ ये देख के। तो बस यही है अपना सिस्टम, फिलहाल अपना डिनर आता है, डिनर करते हैं फिर रेस्ट करते हैं, बाकी प्रोग्राम आप कल बताएंगे किस तरीके से रहने वाला अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब भी आप आओ ना, तो मतलब जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये अपनी पार्किंग है, तो यहीं पे लेना आप, इसी के आसपास लेना आप अपना रूम, जब भी लो इसी के पास लेना, क्योंकि आपका कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि गाड़ी आपके सामने रहेगी, होटल आपका आसपास ही रहेगा, तो आपको चलने वलने मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अपना फर्स्ट क्लास करके अगले दिन अपना अपना घूमो, आप जहाँ आपको जाना है वहाँ जाओ, माल रोड घूमो पूरा, क्योंकि गाड़ी यहाँ खड़े करके और माल रोड जाने में हालत ख़राब हो जाती है, मतलब दो बार मुझे लिफ्ट बदल के जाना पड़ा ऊपर, यही सीन है। तो अपना आराम से यहीं लोग आसपास ही लोग यहीं पर रूम वूम आराम से घूमो फिर अगले दिन। अब देखो कल हम अपना आराम से घूमेंगे माल रोड की साइड, अपने कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ लेते रूम तो दिक्कत हो जाती है, कुछ भी छूट जाओ तो दोबारा के नीचे आओ, भाई बहुत दूर से आना पड़ रहा है लिटरली, नीचे उतरने मुझे 5-6 मिनट लग गए थे, ऊपर चढ़ने में तो हल्का होती है, चढ़ाई भी यूँ है पूरी की पूरी, व्यू भी वही, तो वही कह रहा हूँ मैं, व्यू भी देखने के लिए मिलेगा सही सही। आ गया भैया खाना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, चलो फिर खाना वाना खाते हैं, चल मिलते हैं आपसे जो भी है, बात करते थोड़ी बहुत। और खाने में कुछ अपना ये क्या क्या था, ये कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी और पता नहीं क्या क्या था, बाकी ये अपनी चपाती रोटी वोटी जो भी है। और ठंड में ये रहा फैंटा, हाँ स्टार्ट हो गया, बोलिए बेटा। समदेव जी है मेरे जी, ये समनल जी है, बिल्कुल ये मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, बिल्कुल बहू है, बिल्कुल ये बेटी है। नहीं 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 बोलना पड़ेगा भाई, अब बात पूरी करनी पड़ेगी, बात पूरी करनी पड़ेगी, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, पूरी बात करनी पड़ेगी, बताओ पहले आप। ये विला बात, ये हुई बिल्कुल, बस यहाँ शिमला रखे हैं घूमने इस टाइम, बस बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बैठे हैं आज, सब बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है। यस मुझे भूल गए आपने, 4 बार घुमा दिया आपने, मुझे नहीं बोला मैं क्या हूँ, आप मुझे भूल गए थे, आपने 4 बार वहाँ लाइन घुमा दी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ मैंने भी भूल दिया उससे पहले। खाना खाते गाइस, खाना खाते सुट पा में पी हो।